नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के अड्डे 6 में। और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले तो मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि सर, क्या आपने बीएड किया है? और अगर आपने बीएड नहीं किया है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और अपने उन साथियों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन्होंने बीएड किया नहीं है और वो 2019 की इस नियोजन की प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं। और ये समस्या सिर्फ आपके साथ ही नहीं होगी, ये समस्या 2021 में जो नियोजन की प्रक्रियाएं होंगी उन छात्रों के साथ भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये खबर, इस लेटेस्ट न्यूज़ को जानते हैं। जानने से पहले आपको बता दें कि ये सरकार और समस्या दोनों ही एक दूसरे का पर्यायवाची है। यहाँ जहाँ भी सरकार होगी वहाँ समस्या बिल्कुल ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगी। तो चलिए, ये क्या समस्या उत्पन्न हुई है चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। और एक न्यूज़ आपको मैंने सुबह दी थी, उसमें बताया था कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट निकला था प्रवर्तन अवर निरीक्षक का बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग भर्ती की तरफ से, तो अगर आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये डेट एक्सटेंड हो गया है। 11 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ एज लिमिट भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो वीडियो को देखिए, जल्दी से जाके आवेदन भी करें, ओके। और साथ ही साथ अब हम चलते हैं आपको लेकर इस खबर पे जो कि एसटीईटी एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहला सवाल मुझे आपसे है कि क्या आपने बीएड किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो आपके लिए ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। देख सकते हैं आज के ये खबर, अखबार में निकाली गई है खबर कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के सामने रखी अपनी परेशानियां, अभ्यर्थियों को अफसरों के सामने अपनी बताई परेशानियों की समस्याएं। तो ये क्या है समस्या चलिए जानते हैं। एसटीईटी, देखिए ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको शिक्षक बनने का एक पात्रता यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने एसटीईटी यानी कि टीचर बनने की जो योग्यता है वो आपके अंदर है, ठीक। तो एसटीईटी अभ्यर्थी ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के मुलाकात करके अपनी समस्याएँ रखी। सबसे ज़्यादा परेशान 2012 में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी दिखे। ये 2012 के अभ्यर्थी सबसे परेशान क्यों दिख रहे हैं उनकी समस्याएं यहाँ पे पहले सुनते हैं, फिर हम चलेंगे 2019 से लेकर 21 वाले उन छात्रों के ऊपर भी, जी हाँ, जिनकी समस्याएं ये भी उनके लिए भी ये हो सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उनकी परेशानी शिक्षा विभाग की तरफ से तब आई जब 27 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर बनाया गया, एक नया नियम लाया गया। जी हाँ, इस सर्कुलर के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थियों को एसटीईटी के बाद 5 साल के अंदर 1 साल का बीएड का कोर्स करना था। जी हाँ, जिन्होंने भी 2012 में एसटीईटी पास किया था उनके साथ साथ एक नियम था कि बीएड अगर नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है, तो सरकार इनको समय दी थी कि आप 2 साल के अंदर बीएड का कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये समस्याएं इन अभ्यर्थियों के साथ हुई जब 2019 के लिए ये नियोजन की प्रक्रियाएं अभी जो चल रही हैं जिसमें आपको सारा नियोजन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है लगभग, तो उसमें ये समस्या देखने को मिली। इस सर्कुलर में बताया जा रहा है कि 5 साल के अंदर अगर आपके पास 1 साल का बीएड डिग्री वाला कोर्स, पहले 1 साल का डिग्री होता था ना बीएड का, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये 5 साल के अंदर आपने 1 साल का बीएड कोर्स करनी थी और अभ्यर्थी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2012 में एसटीईटी एग्ज़ाम हुआ था और जून में ही रिजल्ट आने के उस साल अभ्यर्थी जो है बीएड का एग्ज़ाम नहीं दे सके थे, ठीक है। इसके बाद 2 साल बीएड के लिए टाइम मिला, उसके बाद भी पूरे देश में 5 साल में बीएड करना अनिवार्य किया गया कि 5 साल के अंदर आप यहाँ पे बीएड कर लीजिएगा 2 वर्षीय। इस वजह से अधिकतर अभ्यर्थी जो थे बीएड नहीं कर सके, ठीक है। कारण बहुत सरल रहता है लोगों का, यार पैसे नहीं रहते हैं, आप 1 साल का बीएड करवा रहे थे फिर उसके बाद 2 साल का बीएड करवाने लग गए, तो इसमें बहुत सारे छात्र ने छोड़ दिया कि यार जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम बीएड करके करेंगे क्या। तो उन लोगों ने, खैर वो समस्या नहीं है, समस्या यहाँ पर ये है कि जिनका यहाँ पर बीएड करना था 1 साल वाला, अब यहाँ पर 2 साल कर दिया गया कि 2 साल वाला बीएड करके आना आपको, ठीक है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से 2019 में अभी जो माध्यमिक शिक्षक बनने का नियोजन का प्रक्रिया चल रहा है
इस नियोजन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में जो विभागीय सर्कुलर जारी किया गया उसमें एक औपबंधिक मेगा सूची और अंतिम मेगा सूची भी जारी किया गया और उसमें बताया गया कि अभ्यर्थी शामिल नहीं किए जाएं जिन्होंने शिक्षक पात्रता 2012 उत्तीर्ण करने के बाद नियमानुसार निर्धारित समय अवधि 5 साल के अंदर 1 साल वाला बीएड डिग्री नहीं किया है। तो ये नियम आया 2019 के उन छात्रों के लिए। नियोजन का प्रक्रिया जब शुरू हुआ यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए तो यहाँ पे इसमें क्या आया दोस्तों एक नियम कि अगर आपने 2 साल का यहाँ पे या 1 साल का बीएड नहीं किया है 2012 वाले छात्र उनको यहाँ पे नियोजन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिले या फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने 5 साल के अंदर 1 वर्षीय बीएड नहीं किया है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक, केवल उन्हीं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मान्य दिया जाएगा जिन्होंने निर्धारित बीएड की डिग्री हासिल कर ली है। इस तरह साफ कर दिया गया कि बीएड के लिए 1 वर्षीय डिग्री हासिल ना करने वाले 2012 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास भी किए हो तो आपको यहाँ पे मान्य नहीं माना जाएगा। और ऐसे कुल अभ्यर्थियों की अगर संख्या देखी जाए तो ये कुल 5000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पे 2012 में अपना बीएड अपना एसटीईटी तो पास किया लेकिन उन्होंने बीएड नहीं किया तो उनको यहाँ पे नियोजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मान्य नहीं किया जाए ऐसा सरकार नियम अनुसार बताया। चूंकि अभी मैं आपको बता दूं कि 2011 के एक नोटिफिकेशन में जारी किया गया कि 5 साल के अंदर बीएड करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, इसलिए अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें केवल 2 साल 2013 और 2015 तक ही टाइम मिला, इसके बाद बीएड डिग्री 2 साल की कर दी गई। ऐसे में वे 1 साल का बीएड पात्रता कैसे पूरा कर सकते हैं या फिर वो कैसे बीएड कर सकें, ये सरकार के सामने अपनी समस्याओं को उन्होंने रखा है। बल्कि यहाँ पे और हालांकि यहाँ पे जो अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं उनका समाधान अभी तक नहीं हो सका है। तो ये एक समस्या हुई है यहाँ पर। तो ये समस्या जब यहाँ पे हुई है तो अब 2021 में जो नियोजन करेंगे छात्र उनके साथ भी तो ये हो सकता है। सपोज मान लीजिए जो 2015 में बीएड किए हैं और ये 5 साल तक का वैलिड होता है, ठीक, तो 5 साल का वैलिड होता है 2020 में ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे 2015 वाले छात्र, तो ये कहाँ जाएंगे। ये कुछ समस्या यहाँ पे है ये आप जान लीजिए। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों की चिंता थी कि वर्ष 2021 में आयोजित की जाने वाली एसटीईटी में उन्हें भागीदारी दी जाए तो ये समस्या 2021 को लेकर आ ही गई यहाँ पर। दरअसल इन अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीईटी की निर्धारित अवधि खत्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों की चिंता थी कि एसटीईटी बिहार एसटीईटी के आवेदन में इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स का कॉलम भी नहीं दिया गया, तो ये दूसरी समस्या अब खड़ी हो गई यहाँ पे कि बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पे बीए बीएड एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो कि 5 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है, कंप्लीट मिला के बीए भी और होगा इसमें आपका बीएड भी कंप्लीट होगा तो इसको इंटीग्रेटेड कहते हैं। तो बीए बीएड या बीकॉम बीएड या बीएससी बीएड ऐसे करके इसका कोई कॉलम दिया ही नहीं गया है। ऐसे अभ्यर्थी ने एसटीईटी आवेदन में मौका देने की मांग की है और जानकारों के मुताबिक बता दें कि इंटीग्रेटेड कोर्स का विकल्प नहीं रहने प्रदेश के लगभग 5000 ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे आवेदन करने से वंचित हो गए हैं। तो कुल यहाँ पे ऐसे छात्र 5000 हैं दोस्तों जिनकी ये समस्याएं यहाँ पे आ चुकी हैं, वो 2020 और 21 के लिए, 21 के लिए एक्चुअली वो यहाँ पे कॉलम में जो उनका नहीं, 2019 के लिए जो कॉलम में उनका नाम नहीं दिया गया कि बीए बीएड वाले छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स वाले, तो ये एक समस्या और एक समस्या ये जो मैंने आपको अभी बताई है। अब इसमें क्या राय होनी चाहिए आप सभी का ये हमें जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोनों ही समस्याओं का हल तो निकालना चाहिए सरकार को, लेकिन यहाँ पे सरकार और समस्याओं का सीधा सीधा संपर्क है, एक कह सकते हैं पर्यायवाची है एक दूसरे का। सरकार और समस्या दोनों एक ही चीज़ है, अगर सरकार ने कुछ इसका हल निकाला तभी जाके इनकी समस्याएँ खत्म हो सकती है। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपने बीएड नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि अगर 2019 एसटीईटी आप लोगों ने दिया और आपने बीएड नहीं कर रखा होगा तो देखिएगा आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीएड करने के लिए नामांकन जरूर करा लीजिएगा, है ना,
चाहे बीए बीएड करने का भी नामांकन करा लीजिएगा आप लोग। इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत लोग करना चाहते हैं कि एक ही साथ हो जाए, तो वो भी लोग कर सकते हैं, ठीक है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी करा रही है बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। तो उसमें आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं सारी चीज़ों को, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, ठीक। बाकी सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, आपकी अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।